हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल साइट का जो लिंक देते हैं, जैसे कि facebook.com और / अपना नाम या अपने पेज का नाम, और इसी तरह इंस्टाग्राम में और इसी तरह ट्विटर में, तो वह किस प्रकार से देते हैं आपको नहीं पता लगता है। तो मैं आज आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का तीनों का कस्टम यूआरएल बनाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना है, इस प्रकार से होम पेज आ जाएगा, चाहे एप्लीकेशन में या गूगल क्रोम पे। लेकिन इसके लिए आपके पास पेज होना चाहिए, तो मैं ये तीन लाइन लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरा पेज है। ये दूसरे नंबर पे पेज का नाम दिख रहा है आपको, टेक्निकल राकेश कुछ नया सीखें, इस पर क्लिक कर दूँगा। अगर पेज बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको पेज बनाने का तरीका बताऊँगा। उसके बाद इसको सिंपली नीचे करना है, नीचे करने के बाद मोर यानी कि तीन लाइन जो दिख रही है चौथे नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, साव लिंक पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका यूआरएल आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे facebook.com/technicalrxp, और यहाँ पे जो भी बदलना है आप यहाँ पे लगा के डन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अगर ये अप्रूवल होगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं तो नॉट डन दिखा देगा वहाँ पे, या रेड रेड आ जाएगा, क्योंकि जो यूआरएल पहले से ही बना हुआ होता है उसका यूआरएल आप नहीं बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फेसबुक, और यहाँ पे ओके कर देना है। और जब यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए ये मेरे पेज के नाम के नीचे @technicalrxp लिख करके आ रहा है। तो ये हो गया आपके फेसबुक पेज का यूआरएल, ये एक पेज है। आप सबसे पहले अपना पेज क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं ले चलता हूँ इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम में बताऊँगा कि कैसे अपना instagram.com/ अपना कस्टम पेज बनाते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम पे ही इंस्टाग्राम अपना ओपन कर रखा है, आप इसको एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, सेम इंटरफेस आता है ऐसी एप्लीकेशन का भी। जो ये प्रोफाइल का आइकन आ रहा है नीचे, देखिए पांचवें नंबर पे, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा मेरा नाम और ये प्रोफाइल, और ये एडिट पेज पर क्लिक करना, एडिट प्रोफाइल पर। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद चेंज प्रोफाइल फ़ोटो, और नीचे आ जाना है। देखिए दूसरे नंबर पर यूज़र नाम आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने यूज़र नाम को एडिट कर सकते हैं, 14 दिन में आप एक बार ही यूज़र नाम को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना यूज़र नाम वो डालेंगे जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पर ये मैंने डाल रखा है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करके डालेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, मैं बैक जाता हूँ, ये ऐसा होम पेज आएगा आपका, ऐसा होम पेज आएगा, पांचवें नंबर पर क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और ये दूसरे नंबर पे यूज़र नाम, देन ओपन योर ट्विटर अकाउंट एंड चेंज कस्टम यूआरएल। अपना ट्विटर खोलने के बाद प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, जहां पर मेरी फ़ोटो दिखाई दे रही है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करना है, ध्यान देंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सेटिंग में @technicalrxp यानी कि कस्टम यूआरएल यहां से आपको मिलेगा। अब मैं अपने अकाउंट पर क्लिक कर देता हूं, और उसके बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी में यूज़र नाम पर क्लिक कर दूंगा, और यहां से ये हमारा कस्टम यूआरएल आ गया। ये सजेशन में आपको जो सजेस्ट करना है नया वो आ रहा, लेकिन मेरा अभी ये है जो ऊपर यूज़र नाम में लिख के आ रहा, जहाँ पे एडिट हो गया। अब यहाँ से जो भी आपको कस्टम यूआरएल चाहिए यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जो पहले से यूज़ ना हो, और उसके बाद यहाँ पर सेव पर नीचे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से बैक आ जाएंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इस तरह से ट्विटर ओपन होने के बाद अपने प्रोफाइल के फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, और नीचे सेटिंग पर आ जाएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी, वहाँ पे अकाउंट, उसके बाद यूज़र नाम। तो सिंपल प्रोसेस है, तीनों का मैंने बता दिया। अगर और भी अकाउंट का या सोशल मीडिया का आपको जानना है कि कैसे कस्टम यूआरएल बना सकते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए उसके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।